हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैकेनिकल गाइड। तो आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ अप्लाइड फिजिक्स की एक और न्यू वीडियो पर। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टॉप 20 क्वेश्चन जो कि पेपर के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो आपका चैप्टर है सेमी कंडक्टर फिजिक्स, इस चैप्टर से मैं आपको बता दूँ लगभग 10 नंबर का पूछा जाता है। आप इससे पहले के पिछले ईयर के पेपर उठाकर देख सकते हैं, हर साल इसे 10 नंबर का क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो इससे पहले मैंने अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैकेनिक्स पर वीडियो कई सारे बनाए, तो इन वीडियोस को आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो फ्रंट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऊर्जा बैंड सिद्धांत लागू होता है। ऊर्जा बैंड सिद्धांत किस पर लागू होता है? फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है सॉलिड पर, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर लिक्विड पर, और थर्ड ऑप्शन दिया गया गैस पर, और फोर्थ ऑप्शन दे रहा है ऑल ऑफ अबव। तो इन चार में से एक ऑप्शन आपका सही है, जो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो सही है, सॉलिड ठोस। ऊर्जा बैंड जो सिद्धांत है वो ठोस पर लागू होता है, सॉलिड। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किसी ठोस में उच्चतम भार ऊर्जा स्तर कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है संयोजी बैंड, सेकंड ऑप्शन दे रहा है चालन बैंड, थर्ड ऑप्शन दे रहा है वर्जित ऊर्जा अंतराल, और फोर्थ ऑप्शन दे रहा है उपयुक्त सभी। तो इन चार में से एक ऑप्शन आपका सही है, जो इसका भी ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है, संयोजी बैंड। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसे देख लेते हैं, किसी ठोस में निम्नतम खाली ऊर्जा स्तर कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है संयोजी बैंड, सेकंड ऑप्शन दे रहा है चालन बैंड, थर्ड ऑप्शन दे रहा है वर्जित ऊर्जा अंतराल, और फोर्थ ऑप्शन दे रहा है उपयुक्त सभी। तो इन चार में से एक ऑप्शन आपका सही, जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही है, चालन बैंड। फ्रेंड, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, वरना आप इस वीडियो को अगर मिस करते हैं तो बहुत कुछ मिस करने वाले हैं नंबर के हिसाब से। अगर आपको फ्रेंड इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसे देख लेते हैं, फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है, किसी ठोस में वाई बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व नहीं हो सकता कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है संयोजी बैंड, सेकंड ऑप्शन दे रहा है चालन बैंड, थर्ड ऑप्शन दे रहा है वर्जित ऊर्जा अंतराल, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर भी आपको चार ऑप्शन दिए गए जिनमें से एक ऑप्शन आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका चार, उसका जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है, वर्जित ऊर्जा अंतराल, जो इसमें कि इसमें इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व नहीं होता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो फाइव नंबर क्वेश्चन है, चालक या धातु के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल होता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है ईजी बराबर जीरो, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है ईजी बराबर 1 EV, थर्ड ऑप्शन दे रहा है EG बराबर 7 EV, और फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया डी नंबर उपयुक्त तो कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन नंबर पाँच है, यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए जिनमें से एक ऑप्शन आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो सही है, EG बराबर 0। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो सिक्स नंबर क्वेश्चन है, अर्धचालक के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल होता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है EG बराबर 0, सेकेंड ऑप्शन दिया गया ईजी बराबर 1 EV, थर्ड ऑप्शन दे रहा है ईजी बराबर 7 EV, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया उपयुक्त तो कोई नहीं। तो इन चार में से भी एक ऑप्शन आपका सही है, जो सिक्स नंबर क्वेश्चन, उसका जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है, ईजी बराबर 1 EV। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो सेवन नंबर क्वेश्चन है, कुचालक के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल होता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है ईजी बराबर 0, सेकंड ऑप्शन दे रहा है ईजी बराबर 1 EV, थर्ड ऑप्शन दे रहा है ईजी बराबर 7 EV, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया उपयुक्त तो कोई नहीं। तो इन चार में से एक ऑप्शन आपका सही है, जो ऑप्शन नंबर इसका सी है वो सही है, ईजी बराबर 7 EV। फ्रेंड, अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। अर्धचालकों सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल क्रमशः होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया 0 0, सेकंड ऑप्शन दे रहा है बी नंबर जो है 0.67 EV और 1.12 EV, थर्ड ऑप्शन दे रहा है 1.12 EV और 0.67 EV, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया उपयुक्त कोई नहीं। तो इन चार में से एक ऑप्शन आपका सही है, जो ऑप्शन नंबर इसका सी है फ्रेंड्स, 8 का वो सही है, 1.12 EV, 0.67
ईवी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 9 नंबर क्वेश्चन है। अर्धचालक के दो प्रकार होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है शुद्ध या निजी अर्धचालक, सेकंड ऑप्शन दे रहा है अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक, और थर्ड ऑप्शन दे रहा है उपयुक्त दोनों, फोर्थ ऑप्शन दे रहा है इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर जो आपको पता होना चाहिए, जो अर्धचालक के जो दो प्रकार होते हैं वो फर्स्ट होता है शुद्ध या निजी अर्धचालक और सेकंड होता है अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो सी है फ्रेंड्स वो सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, बोथ ऑफ अबव। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 10 नंबर क्वेश्चन है। शुद्ध या निजी अर्धचालक में अर्धचालक होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन दे रहा केवल अर्धचालक के परमाणु, सेकंड ऑप्शन दिया गया अर्धचालक के परमाणुओं के साथ अन्य पदार्थों के परमाणु भी, और थर्ड ऑप्शन दिया गया है उपयुक्त दोनों, फोर्थ ऑप्शन दे रहा है उपयुक्त कोई नहीं। तो इन चार में से एक ऑप्शन आपका सही है। जो 10 नंबर आपका क्वेश्चन उसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है, केवल अर्धचालक के परमाणु। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो 11 नंबर क्वेश्चन है। फ्रेंड अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक में होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है केवल अर्धचालक के परमाणु, सेकंड ऑप्शन दे रहा है अर्धचालक के परमाणुओं के साथ अन्य पदार्थों के परमाणु भी, और थर्ड ऑप्शन दे रहा है उपयुक्त दोनों, फोर्थ ऑप्शन दिया गया उपयुक्त कोई नहीं। तो इन चार में से एक ऑप्शन आपका सही है। जो 11 नंबर आपका क्वेश्चन उसका जो ऑप्शन नंबर जो फ्रेंड्स बी है वो आपका सही है, अर्धचालक के परमाणुओं के साथ अन्य पदार्थ के परमाणु भी। तो इसी तरह आपका जो 11 नंबर है उसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो 12 नंबर। फ्रेंड मैं आपको बता दूं पेपर की टेस्ट से क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो 12 नंबर क्वेश्चन, निजी अर्धचालकों के लिए क्या सत्य है, फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है ऊष्मीय ऊर्जा के कारण संयोजी बैंड में सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं, सेकंड ऑप्शन दे रहा है एक सहसंयोजक बंध टूटने पर इलेक्ट्रॉन और होल युग्म उत्पन्न होता है, थर्ड ऑप्शन दिया गया है उपयुक्त दोनों, और फोर्थ ऑप्शन दे रहा है उपयुक्त कोई नहीं। तो इन चार में से आपका एक ऑप्शन सही, जो 12 नंबर आपका क्वेश्चन जो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है, उपयुक्त दोनों। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 13 है। अर्धचालक में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में सहसंयोजक बंध के टूटने से उत्पन्न होता है, तथा इसी तरह से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है जो बी नंबर है। चालन बैंड में के मुक्त इलेक्ट्रॉन पूरे अर्धचालक में गति करते हैं, और थर्ड ऑप्शन दे रहा है दोनों, फोर्थ ऑप्शन दे रहा है कोई नहीं। तो इन चार में से एक ऑप्शन आपका सही है, जो आपका क्वेश्चन नंबर जो फ्रेंड्स 13 है उसका जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है, उपयुक्त दोनों। ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम पर मिलने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, लगभग 10 नंबर का इससे पूछा जाता है, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। इसके करीब 70 क्वेश्चन मेरे पास है, तो मैं आपको सारे क्वेश्चन एक एक करके बताने वाला हूँ। अर्धचालक में होल या कोटर या वीवर क्या होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है कोटर या होल संयोजी बैंड में सहसंयोजक बंध टूटने से उत्पन्न होते हैं, तथा इस तरह के उत्पन्न होल संयोजी बैंड में ही रहते हैं, सेकंड ऑप्शन दे रहा है संयोजी बैंड के होल एक इलेक्ट्रॉन की कमी वाला स्थान होता है, थर्ड ऑप्शन दिया गया है उपयुक्त दोनों, फोर्थ ऑप्शन दे रहा है उपयुक्त कोई नहीं। इन चार में से एक ऑप्शन आपका सही, जो 14 नंबर आपका क्वेश्चन इसका भी जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है, उपयुक्त दोनों ए और बी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो 15 नंबर आपका क्वेश्चन है। जिन अर्धचालक की चालकता तापमान बढ़ाने से, फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है बढ़ेगी, सेकंड ऑप्शन दे रहा है घटती है, थर्ड ऑप्शन दे रहा है परिवर्तित रहती है, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है उपयुक्त कोई नहीं। तो इन चार में से एक ऑप्शन आपका सही, 15 नंबर क्वेश्चन उसका जो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बढ़ती है, जिन अर्धचालक की चालकता तापमान बढ़ाने से बढ़ती है निज। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, अर्धचालक का प्रतिरोध का ताप गुणांक अल्फा हमेशा होता है, फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है धनात्मक, सेकंड ऑप्शन दे रहा है ऋणात्मक, और थर्ड ऑप्शन दे रहा है उपयुक्त दोनों, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया उपयुक्त कोई नहीं। तो
यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए जिनमें से एक ऑप्शन आपका सही है। इसका जो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो सही है, निगेटिव होती है, ऋणात्मक। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो 17 नंबर आपका क्वेश्चन है, बाह्य अर्धचालक होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, एक नंबर पर आपको पक्का मिलेगा, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है पी टाइप अर्धचालक, सेकंड दे रहा है एन टाइप अर्धचालक, और थर्ड ऑप्शन दे रहा है उपयुक्त दोनों, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया उपयुक्त कोई नहीं। तो आपका जो 17 नंबर क्वेश्चन है इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है, उपयुक्त दोनों बाह्य अर्धचालक होते हैं, वो पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक दोनों होते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो 18 नंबर क्वेश्चन है, पी टाइप अर्धचालक बनाए जाते हैं, फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है निज अर्धचालकों में तीन संयोजकता वाले अशुद्ध परमाणु मिलाने से बनते हैं, सेकंड ऑप्शन दे रहा है निज अर्धचालकों में पांच संयोजकता वाले अशुद्ध परमाणु मिलाने से बनते हैं, और थर्ड ऑप्शन दे रहा है उपयुक्त दोनों, फोर्थ ऑप्शन दिया गया है उपयुक्त कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए जिनमें से एक ऑप्शन आपका सही है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसका जो ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है, निज अर्धचालकों में तीन संयोजकता वाले अशुद्ध परमाणु को मिलाने से बनते हैं, पी टाइप अर्धचालक बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो सही है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 19 है, एन टाइप अर्धचालक बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया एन टाइप जो अर्धचालक है वो कैसे बनाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका दिया गया है निज अर्धचालकों में तीन संयोजकता वाले अशुद्ध परमाणु मिलाने से बनते हैं, सेकंड ऑप्शन दे रहा है निज अर्धचालक पांच संयोजकता वाले अशुद्ध परमाणु मिलाने से बनते हैं, और थर्ड ऑप्शन दे रहा है बोथ, और फोर्थ ऑप्शन दे रहा है नन ऑफ एबव। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए जिनमें से एक ऑप्शन आपका सही है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 19 है उसका जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही है। तो आप देख सकते हैं निज अर्धचालकों में पांच संयोजकता वाले अशुद्ध परमाणु को मिलाने से बनते हैं एन टाइप अर्धचालक, और पी टाइप अर्धचालक क्या था वो कि तीन संयोजकता वाले अशुद्ध परमाणु को मिलाने से बनते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। इतना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो आपका 20 नंबर क्वेश्चन। फ्रेंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को भी लाइक करें, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, पीडीएफ आपको वहां पर सारे सब्जेक्टों की मिल जाएगी। पी टाइप अर्धचालक में क्वेश्चन में बोला गया पी टाइप अर्धचालक में फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक तथा होल अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, सेकंड ऑप्शन दे रहा है होल बहुसंख्यक आवेश वाहक तथा इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, थर्ड ऑप्शन दे रहा है उपयुक्त दोनों, और फोर्थ ऑप्शन दे रहा है उपयुक्त कोई नहीं। फ्रेंड मैं सोच रहा हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर कर बताएंगे, मैं भी तो देखूँ आप लोगों की कितनी तैयारी अभी तक हो चुकी है, ठीक है। और अगर नहीं आता है तो इसका जो आंसर है मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पर पहले ही बता दूंगा। तो अगर फ्रेंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को भी लाइक करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें।